पाकिस्तान में यूजली ऐसा देखा गया है कि जब आर्टिस्ट की मिराज यानी अपने पिनिकल पर पहुँचता है तो उसको इंडिया से फ़ोन आता है इंडिया जाता है वो इंडिया जागे परफॉर्म करता है आप इंडिया गए परफॉर्म किया कॉन्सर्ट्स किए बड़े बड़े लोगों से मिले हाउ वो सी जर्नी कैसा रहा कैसा वेलकम मिला इट इज़ ग्रेट जिस तरह हमारे पाकिस्तान की ऑडियंस है फैंस हैं बिल्कुल उसी तरह की इंडियन uh, फैन फॉलोइंग भी रही है और क्योंकि वहाँ पे बहुत से शहर हैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होते रहे हैं और बहुत से ऐसे फ़ैन जिस तरह मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग वाक़ है वो मुझे लगता है क्योंकि मैं उनका फ़ैन भी था अभी भी हूँ संजय दत्त का जी हम बिल्कुल नए नए अपने गाने एल्बम बना रहे थे तो हमारे मैनेजर ने कहा कि हमें इंडिया से किसी का फ़ोन आया है तो उन्होंने कहा आप लोग पहुँचे हमारी तरफ आके बैठो हम सारे चले गए तो बैठे हुए तो उन्होंने बताया कि संजय दत्त ने पर्सनली ख़ुद कॉल की है कि मुझे ये जल के गाने अपने उसके लिए चाहिए दैन इवेंचुअली हम जब एल्बम लॉन्च पे गए बॉम्बे तो काइंड ऑफ एम उन्होंने अपने घर बुलाया और वो रियल लाइफ में भी बिल्कुल वो ऐसे करके चलते चलते वो ऐसे चलते हुए नीचे आए उन्होंने रिसीव किया तो हमने उनसे पूछा आपने कहाँ से ये गाना सुना बिकॉज हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि हमारा गाना वहाँ पर सुना है तो उन्होंने कहा कि मैं आई वॉज आई न्यू समेडी फ्राम पाकिस्तान तो उन्होंने मुझे एक दिन आके कहा कि ये दो लड़के आए हैं नए बॉयज़ हैं इनका नया गाना है आदत वो सुने और उस दिन से ले कर मेरा ख्याल उसके बाद कह रहे थे तीन चार महीने हो गए तो कह रहे लास्ट नाइट भी हम सब एक गेट टुगेदर में सलमान खान अनिल कपूर जैकी श्रॉफ़ पूरी रात हम आदत सुनते रहे हैं क्या बात तो बहुत बड़ी चीज़ है जिस तरह से वो रिगार्ड करते हैं बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बड़े उससे ज़्यादा बहुत बड़े दिल के भी हैं